नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। स्टूडेंट्स, हम आधुनिक भारतीय चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय कला का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उसमें आधुनिक चित्रकला के तक आ गए हैं हम पढ़ते हुए। पिछले वीडियोस में हमने भारतीय कला का पुनरुत्थान, पटना शैली और कलाकारों का जिक्र किया था, जिसमें हम देख चुके हैं कि यामिनी राय कैसे कलाकार थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नाम भारतीय कला की बात करते हुए आता है, वो हमारे सिलेबस में भी है, तो वो है अमृता शेरगिल। सभी लोग इनके नाम से काफी अच्छे से परिचित हैं। शेरगिल भारतीय कला में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बिना भारतीय कला की चर्चा अधूरी रह जाती है। अमृता शेरगिल उनमें से एक ऐसा नाम है। अमृता शेरगिल का जीवन बहुत छोटा रहा, स्पान जो थे इनका जीवन का वो बहुत छोटा रहा, लेकिन उस छोटे से काल में इन्होंने जो भारतीय कला में अमिट छाप छोड़ी वो वास्तव में काबिले तारीफ है। 1913 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनका देहांत हो गया। तो इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। 30 जनवरी 1913 को ये हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट में जन्मी। इनके जो पिता थे वो पंजाबी थे और माता हंगेरियन थी। ये इन्होंने इनकी जो शिक्षा थी वो सारी यूरोप में प्राप्त की। बचपन इनका हंगरी में ही बीता और वहीं पर इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली। ये बहुत छोटी उम्र में ही पेंटिंग करने लगी थी, लेकिन खास बात यह थी कि एक बार वो बहुत छोटी उम्र में भारत आई थी अपने पिता के साथ। शिमला में रही, इनके पिता व्यवसायी थे और बहुत अमीर घरान से ताल्लुक रखते थे, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो काफी अच्छे स्तर पर हुई थी। बहुत थोड़े समय के लिए भारत में रुकी थी। इनका जीवन जो था वो बड़ा, किसी भी कलाकार का जो जीवन है वो उसकी कला में झलकता है, तो हम उसके जीवन के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको नकार नहीं सकते। वहां जब ये हंगरी में थी तो वहां भी इन्होंने वहां की परी कथाओं, पुराण पौराणिक आख्यानों को सुना, उनका इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। किंतु वहां की जो शिक्षण पद्धति जो थी, इटली के फ्लोरेंस एक शहर है इटली में, वहां पर कला विद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया था, किंतु वहां की जो शिक्षण पद्धति थी वो अमृता के अनुकूल नहीं थी, यानी अमृता उसको ज्यादा उनको प्रभावित नहीं कर पाई। अमृता को ये कला का अभ्यास तो करती रही। 1929 में ये पेरिस चली गई और 1930 के लगभग इन्होंने तेल चित्रण प्रारंभ किया। तेल चित्रण ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करी। ये मैक्सिमम इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो आपको ऑयल पेंटिंग से मिलेंगी अमृता की। लेकिन इनकी कला में भारतीयता का ऐसा दर्शन है जो अन्य किसी कलाकारों में इतना मुखर तौर पर देखने को नहीं मिलता, उसके बारे में हम बात करेंगे। अमृता अपनी युवावस्था में एक बार पुनः भारत आई और भारत में यहाँ की गरीब वर्ग जो था उसको अपने चित्रों का विषय बनाया। यहाँ के जो ग्राम्य जीवन, ग्रामीण जनजीवन जो था वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता था। वो ये कहती थी कि भारत में अगर गरीब नहीं होते तो मेरे पास पेंट करने के लिए कुछ नहीं होता। गरीबों के जीवन ने इनको बहुत प्रभावित किया, उनकी दयनीय अवस्था से बहुत प्रभावित हुई। इन्होंने बसोली की पेंटिंग्स का भी इनकी कला पर प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अजंता की यात्रा की और अजंता की यात्रा करने के बाद में एक ड्रास्टिक चेंज इनकी कला में आया, जो बिल्कुल यूरोपियन पद्धति से, यूरोपियन स्टाइल से ये पेंटिंग कर रही थी। बिल्कुल स्पष्ट झलक यूरोपियन शैली की इनपे दिखाई देती थी। मॉडल बिठाकर पोर्ट्रेट करना और बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच की पेंटिंग कर रही थी। लेकिन अजंता की यात्रा के बाद इनकी कला में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो इनकी कला को जब हम देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर उसमें अजंता की छाप देखने को मिलेगी अमृता की कला में। अभी मैं आपको उनकी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगा अमृता की, लेकिन हम थोड़ी बहुत बात उनके बारे में कर लेते हैं। तो अमृता की कला की पेंटिंग्स में आपको दिखाऊंगा अभी। अमृता शेरगिल जो थी वो
बहुत बड़ा सिग्नेचर है भारतीय कला का एक। कुछ पेंटिंग्स इनकी, पहले मैं आपको पेंटिंग्स दिखा देता हूँ अमृता के, उसके बारे में इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स हैं, ये देखिए आप। तीन ग्रामीण कन्याएं हैं जिसको अमृता ने बनाया। अजंता की कलर स्कीम, उनका जो गेस्चर पोस्चर है वो आपको इसमें स्पष्ट देखने को मिलेगा। ये अमृता शेरगिल का खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है उन्होंने, तो आप देखेंगे कि यूरोपियन स्टाइल से इन्होंने खूब पोर्ट्रेट बनाया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में इनका पूरा का पूरा एक, ये देखिए आप, ग्रामीण भारतीय जनजीवन को इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाना बनाया। इनकी जो पद्धति थी वो निश्चित रूप से यूरोपियन थी, लेकिन उसमें जो शैली है वो भारतीय कला के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको काफी प्रभाव। ये देखिए बहुत इनका फेमस पेंटिंग है वधु का श्रृंगार। तो ये वधु का श्रृंगार जो है इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। इसमें भारतीय जो ग्रामीण कन्या है वो शादी के समय पर उसका श्रृंगार किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से पूरे बैकग्राउंड में उस एक फिगर को इम्पोर्टेंस देने के लिए बाकी सबको डार्क कलर में बनाया और उसको एक लाइट कलर में बनाकर उस एक फिगर को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। कितने बहुत सिंप्लीफिकेशन के तरीके से ये अजंता की साफ झलक इसमें देखने को मिलती है। देखिए अजंता इसको देख चुके हैं, ये उनका पोर्ट्रेट है, सेल्फ पोर्ट्रेट। ये ग्रामीण जनजीवन का चित्र है, ये यूरोपियन स्टाइल का ही चित्र है। ये देखिए तीन महिलाएं, ये यंग लेडी, ये इनकी पेंटिंग्स हैं अमृता की। और भी पेंटिंग्स इनकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको काफी कुछ आइडिया होगा कि अमृता की पेंटिंग्स के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए दृश्य है, गांव का दृश्य है। ये बहुत फेमस पेंटिंग है अमृता की, ब्रह्मचारी, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसमें आप अपने पास ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है, ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, बड़ी अच्छी पेंटिंग है ब्रह्मचारी, बहुत फेमस पेंटिंग भी है इनकी अमृता की। बिल्कुल भाव विभोर चेहरे, भाव मग्न चेहरे हैं, मुद्राएं भंगिमाएं बिल्कुल जिससे ये भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये इनकी कला की मुख्य विशेषताएं थी, मुद्राओं और भाव भंगिमाओं से भावों को अभिव्यक्त करना। ये देखिए वधु, ग्रामीण लोग, रेड क्ले एलिफेंट, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी। ये लाल कलर में है, बेसिकली इंडियन रेड कलर में है, यहाँ पर अपने पास ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये अमृता की कुछ पेंटिंग्स है जिसमें कुछ, तो ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग की है, वधु का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, ये फेमस पेंटिंग्स हैं। तो अमृता शेरगिल जो थी वो युवा कन्या, यंग लेडी जो हमने देखी, तो इनका इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था अजंता का प्रभाव था, किसके, अमृता शेरगिल पर, अजंता और बसोली, बसोली की कला का बहुत प्रभाव था किस पर, अमृता की कला पर। अजंता और बसोली का प्रभाव अमृता की कला पर काफी पड़ा। वैसे कहा जाता है कि एक आधुनिक चित्रकार थे पॉल गोंग का भी इन पर प्रभाव माना जाता है, पॉल गोंगवे। ये आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं, उत्तर प्रभाव वाले चित्रकार हैं, इनकी कला का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन खास तौर पर जो प्रभाव पड़ा वो अजंता का बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव अमृता की कला पर था। अमृता जब भारत आई तो इन्होंने यहाँ के ग्रामीण जनजीवन को देखा और उसी को चित्रित किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारत में गरीब नहीं होते तो मेरे चित्रण का कोई विषय नहीं होता। तो भारतीय लघु चित्रों की रंगांकन पद्धति से ये बहुत प्रभावित थी, अजंता की शैली से बहुत प्रभावित थी। मुद्राओं भंगिमाओं का जो अंकन इनकी कला में देखने को मिलता है वो अजंता की ही देन है। इनके चित्रों के जो विषय थे वो अभी हमने देखा कि भारतीय ग्रामीण जनजीवन से इन्होंने अपने विषयों को चुना, भारतीय ग्रामीण जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए, गरीब और असहाय लोगों के चित्र बनाए, असहाय लोगों के जीवन से चित्र बनाए, और लोक कला शैलियों से प्रभावित थी।
लोक कला के निकट नजर आती है इनकी शैली। अजंता और बसोली की हम बात कर चुके हैं, बसोली जो चित्र शैली है वो काफी लोक शैली के निकट है। तो ये इनकी कुछ खास बातें थी। एक 1938 में इन्होंने जॉन विक्टर से विवाह किया था और वापस वहां से ये लौट आई थी। भारतीय लघु चित्रण के समान इनके भारतीय लघु चित्रों में जो रंग योजना थी वो इनकी कला की विशेषता बनी। रेखाओं का अंकन इन्होंने अपने चित्रों में किया। कुछ इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं, उसको मैं आपके सामने लिख देता हूं। ब्रह्मचारी जो हमने पेंटिंग देखी थी, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार, वधु का श्रृंगार, बाजार जाते हुए ग्रामीण लोग, ये इनके चित्रों के नाम हैं। विश्राम, ये भी पेंटिंग अभी हमने देखी थी, वापस दिखा दूंगा मैं आपको। और केले बेचने वाले इनकी फेमस पेंटिंग्स के नाम हैं। तो इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई वो भारतीय परंपरा की थी और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि छाया प्रकाश का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। ये पेंटिंग्स जो है केले बेचने वाली पेंटिंग्स है, ये आप देख रहे हैं इसमें। वधु का श्रृंगार भी अभी आपने देखा था, ये ग्रामीण लोगों के चित्र हैं। वापस अपन देखिए, ये इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है। ब्रह्मचारी वाली पेंटिंग में आपको दिखाता हूँ, ये विश्राम का चित्र है और केले बेचने वाली है। ब्रह्मचारी जो है वो इनकी बहुत फेमस, वधु का श्रृंगार और ब्रह्मचारी, ये देखिए वधु का श्रृंगार, ये वाली पेंटिंग है वधु का श्रृंगार, ये वाली इनकी फेमस पेंटिंग है वधु का श्रृंगार। और ब्रह्मचारी वाली पेंटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ब्रह्मचारी वाली पेंटिंग है इनकी, ब्लैक एंड व्हाइट में है, बड़ी खूबसूरत बड़ी पेंटिंग है। तो इनकी मुद्राएं, भंगिमाएं, आंखों की जो अवस्था है उनसे भावों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने कहीं भी छाया प्रकाश का, इन्होंने कोई रियलिस्टिक छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया बल्कि भारतीय परंपरा के आधार पर इन्होंने चित्र बनाए। तो ये अमृता शैली की कुछ शैली की विशेषताएं थी जिससे इनमें भारतीय नजर आती है। अब आप इसको एक बार जब बुक से पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और कोई बात आप उसमें देखें, जो तथ्यात्मक जानकारी, मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि तथ्यात्मक जो जानकारी है वो अपन यहाँ पर नहीं शेयर कर रहे हैं, तथ्यात्मक जानकारी आपको बुक्स में मिल जाएंगी। मैं ये वो बात समझा रहा हूं आपकी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, जो विशेषताएं हैं कि इनमें क्या खास बात थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज के माध्यम से। तो एक बार आप यहाँ चित्र देखने से भी आपको काफी कुछ आइडिया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कलाकारों की हम बात करें तो उनके चित्र देखें। पुराने वीडियोस में मैंने आपको चित्र भी पोस्ट किए थे, तो इन चित्रों से आपको काफी कुछ बात स्पष्ट होगी। तो आप एक दो बार इनको बुक से पढ़ेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर आपको जो बात पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बात। और आप इनके शॉर्ट नोट भी बनाएं, छोटी छोटी बातों को नोट करें, कलाकारों की, उनके पेंटिंग्स के नाम नोट करें, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली, कौन सी कला से वो प्रभावित हुए, किस कलाकार को, किस कला शैली को उन्होंने प्रभावित किया, ये सारी बातें जानने की हैं। तो ये बात जो है वो आप देखते रहें, उनके पेंटिंग्स के नाम जरूर आप याद करें। तो अमृता शैली के बारे में आज सिर्फ इतना ही, बाकी हम और किसी कलाकार के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।